press the bell icon for notification. नमस्कार दोस्तों, मैं समय यादव आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री केमिस्ट्री में। साथियों, हर पल हजारों लोग जन्म लेते हैं और उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में उतर जाते हैं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाते हैं। कुछ इसी तरह के प्रतिभा वाला एक बालक 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में जन्म लेता है। इस बालक के जन्म के साथ ही पिता सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार स्वर सिंह जेल से रिहा होते हैं। तो घर में कई दिनों बाद खुशियों का माहौल आता है तो घर वाले इस बालक को भागो वाला अर्थात भाग्यवान कहकर पुकारते हैं। तो वहीं दादी इस बालक को नाम देती हैं भगत सिंह। जब भगत सिंह करीब 3 वर्ष के थे तो वे अपने पिताजी के साथ खेत पर जाते हैं। खेत पर आम के पौधे रोपे जा रहे थे। यह सब देखते हुए भगत सिंह ने भी जमीन से पड़े हुए तिनके उठाए और उनको रोपना शुरू कर दिया। पुत्र को यह सब करता देख पिताजी ने बड़े प्यार से पूछा कि बेटे क्या कर रहे हो। उधर से जवाब आता है कि बंदूकें बो रहा हूं। साथियों, भगत सिंह की परवरिश जिस परिवार में हुई उस परिवार में राष्ट्रीयता और देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। शायद इसी वजह से इस बालक भगत सिंह के मन में इस तरह के विचार आ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम ये जानेंगे कि एक युवा जो 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया, उसके सपनों का भारत कैसा था। भारत की आजादी के आंदोलन में कई क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन क्रांतिकारियों में भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में उन परिस्थितियों को भांप लिया था जिससे भविष्य की पीढ़ियां गुजरने वाली थी, और इसका जिक्र उनके द्वारा लिखे गए लेखों में मिलता है। आज देश में जिस तरह छात्र राजनीति के बारे में अलग अलग राय देखने को मिल रही है, इस संदर्भ में भगत सिंह का स्पष्ट मानना था कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है और उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है? और यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। फिर ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन इसके साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपने जीवन को इसी काम में लगा दें। जिस समय फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की उनकी स्थापना हुई, उस समय भगत सिंह ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए अपने साथियों को बताया था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि समाज में जिस तरीके की शोषणकारी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें मानव के द्वारा मानव का शोषण किया जा रहा है, असल मायने में इस व्यवस्था को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सन 1928 में अपने एक लेख अछूत के सवाल में भगत सिंह ने अछूतों को यह आह्वान दिया था कि उच्च वर्गों एवं ऊंची जातियों के द्वारा किसी उपकार का इंतजार मत करो और संगठित होकर इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक क्रांति की लड़ाई छेड़ दो। और सबसे पहले हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं, ना तो कोई जन्म से भिन्न पैदा हुआ है ना ही कार्य विभाजन से। और क्योंकि एक आदमी एक गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी भी तरह के विकास का काम पाने को उसे कोई भी हक नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं। इसलिए जरूरत है संगठित होने की, अपनी शक्ति को पहचानने की, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। आज देश के अंदर जिस प्रकार जाति धर्म के नाम पर बात बात पर दंगे हो जाते हैं, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भगत सिंह ने 1928 में ही एक लेख सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज लिखा था, और जिसमें उन्होंने बताया था कि दंगों की स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत ही अंधकार में नजर आता है। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है, और जहां तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है, और अगर दंगों का कोई इलाज हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है, क्योंकि भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चवन्नी देकर किसी और को भी अपमानित करवा सकता है और फिर भूखे और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। इसके अलावा धार्मिक कट्टरता अंधविश्वास के चलते व्यक्ति असली बात को समझ ही नहीं पाता है और भावनाओं में बहकर दंगों में शामिल हो जाता है। एक आम धारणा है कि अंधविश्वास केवल धार्मिक कर्मकांड और मान्यताओं तक ही सीमित है, लेकिन धीरे धीरे यह रोजाना के जीवन को प्रभावित करने लगा है, और इस संदर्भ में भगत सिंह ने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूं मैं अंधविश्वास तर्कहीनता और गैर वैज्ञानिक सोच को चुनौती दी है। इस लेख में ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देते हुए कहते हैं,
कि मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को आजाद कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता है कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल सारे श्रमिक समुदाय बल्कि समस्त मानव समाज को बेड़ियों से मुक्त करें? मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हमें उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम, गोलियों और पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। कहाँ है ईश्वर और वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी परेशानियों का बहादुरी से सामना किया, अतः मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। और देश के नाम मेरा संदेश है कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जालिम फलक ने लाख मिटाने की कोशिश की, हर दिल में अक्स रह गया, तस्वीर रह गई। साथियों, भगत सिंह ने जलसे किए, भाषण दिए, नारे लगाए, हैंडबिल बांटे और पिटे भी, अर्थात सार्वजनिक आंदोलन का एक रोमांस अनुभव किया था उन्होंने। और उसी रोमांस को वे क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। वे अपने उद्देश्यों और विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वाधीनता से ही आजादी मिलने वाली नहीं है, उसके लिए आर्थिक स्वाधीनता भी अनिवार्य है और हर प्रकार के शोषण का अंत ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और उसके लिए हमें जनता से सहयोग लेना होगा और उसके लिए हर तरीके से हमें जनता के पास जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।